ये देखिए गंगा जी बह रहे हैं और यहाँ से बहते हुए हरिद्वार जाते हैं और वो जो दिख रहा है मैं वहीं पर रुका था। और ये इतना बड़े बड़े गाड़ियों का इतना कहो यहाँ इतना चढ़ाई है और सब लोग इधर से आते हैं। देख रहे हो लैंडस्लाइड, पत्थर टूट कर भाई एक भी गिर जाए ना सब काम समाप्त। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ से भारत का जो आखिरी गांव है माणा, है ना, माणा गांव जो है माणा, और 260 किलोमीटर है यहाँ से, है ना। तो भारत का जो आखिरी गांव है और वो काफ़ी प्रसिद्ध है, मैं वहाँ भी जाने का प्रयास करूँगा। जो आखिरी गांव है और श्रीनगर तक मेरे को आज जाना है 65 किलोमीटर और श्रीनगर ही रुकूँगा। और ये भारत का आखिरी गाँव है और इतने बड़े बड़े पहाड़ भाई मैं पहली बार देख रहा हूँ। देख रहे हैं गाइज इतने बड़े बड़े पहाड़। अरे भाई कहाँ ले आया भोले, जय भोलेनाथ। भाई देख रहे हो ये हमारे ऊपर ऊपर बादल उड़ रहे हैं और यहाँ काफ़ी भारी बारिश है और ये देख रहे हैं खतरनाक है। और मैं भी देवप्रयाग पहुँचने वाला हूँ, देख रहे हैं कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ से कहीं भी, है ना। तो आप देख सकते हैं तो पहाड़ों का यही जन्नत है और यही कारनामा है भाई, इसलिए बहुत दूर दूर तक आते हैं। भोले बाबा जल्दी पहुँचा दे दर्शन के लिए। तो ये खतरनाक ट्रैक है और ये पूरे चढ़ाई है, यहाँ 15 किलोमीटर चढ़ाई है। ये भाई दिल से भोले बाबा को एक बार प्रणाम करते हैं और पुनः शुरुआत करते हैं। और ये हमारा साइकिल बहुत साथ दिया और ये ऑल इंडिया ट्रेवल है और आनंद ट्रेवल ब्लॉग मेरा यूट्यूब चैनल भाई। और यहाँ पानी भी नहीं मिलता 15 किलोमीटर, कहीं भी पानी पहाड़ों में नहीं पाएंगे आप, पीने के लिए भी तरस जाएंगे। ये ख़तरनाक सीन है भाई और ये पूरे गाड़ियाँ वहाँ से इधर आते हैं। भाई ये देख रहे हो कुछ ऐसे सीन है, यहीं बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ था। और ये देख रहे हो वहाँ नीचे और यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है भाई। मेरे ऊपर पहाड़, अगर एक पत्थर गिर जाए जय सीताराम। और यहाँ खतरनाक पूरे चढ़ाई और ये जो देख रहे हैं पूरा बादल है, छोटा सा मंदिर है यहाँ भोलेनाथ में। और भाई चलिए मैं इसी तरह ट्रैक कराता रहूँगा। भाई देख रहे हो सीन कुछ ऐसा है, यहाँ आपको इधर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ये भगवान भोलेनाथ की कृपा है। और पूरा बादलों का संसार है भाई, बादलों की दुनिया, पल भर में क्या हो जाए, पूरा अंधेरा दिख रहा है, पूरा अंधेरा दिख रहा है भाई। और ये देखो पूरा अंधेरा दिख रहा है, देख रहे हो खतरनाक घाटी है भाई। और ये देखो वहाँ से गाड़ियाँ आ रहे हैं, 20 किलोमीटर यहाँ से देवप्रयाग तक खतरनाक घाटी है भाई। और ये बादलों का संसार, बादलों की दुनिया देख रहे हो ना पूरा, यहाँ से लैंडस्लाइड कभी भी हो सकता है और इतना भी बेकार है। इसलिए भोलेनाथ, हे भोलेनाथ जल्दी से दर्शन करा दे और हम पहुँच जाएँ। इतना खतरनाक दृश्य है भाई, देख सकते हो कुछ सड़कें ख़राब हो जाती है, खतरनाक घाटी है यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है क्योंकि पूरा 20 किलोमीटर भाई पूरा चढ़ाई है। मैं तो अभी देवप्रयाग से 12 13 14 किलोमीटर दूर हूँ, प्रयास ये करूँगा कि देवप्रयाग पहुँच जाऊँ जल्दी से जल्दी। हे भोलेनाथ जल्दी से देखो, अभी कुछ बादल हट गए पीछे से, तब अभी दिखाई नहीं दे रहा था भाई। तो इतना खतरनाक दृश्य, इसीलिए लोग यहाँ कोई भी परेशानी हो कितना भी कठिनाई हो लेकिन यहाँ भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं, यही भोलेनाथ के चमत्कार। हर हर महादेव।
ये भाई साहब लोग मिले अभी यहाँ से देवप्रयाग 22 किलोमीटर 12 है 22 है देवप्रयाग। तो भाई साहब मिले, अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? आलोक रॉय। आलोक रॉय कहाँ से हैं? दिल्ली। दिल्ली से हैं आप? आंसू, आप भी दिल्ली से हैं। तो भाई लोग यहाँ पर खड़ी हैं, इनकी बाइक है और ये काफ़ी यहाँ से 2-3 किलोमीटर अभी चढ़ाई है। मेरा तो हालत पंचर है भाई। केदारनाथ जा रहे हैं लोग भी, केदारनाथ जा रहे हैं। जय जय हर हर महादेव। Yeah.